नमस्कार। आज हम वार्ड नंबर 18 लुधियाना नगर निगम चुनाव को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं उसको कवर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये इलाका चंडीगढ़ रोड के साथ पड़ता है और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी पॉश एरिया से संबंधित हैं और क्योंकि ये वार्ड बंदी के बाद इलाका नया बना है तो हम लोगों के पास जाकर पूछ रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनमें से आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के जो वार्ड नंबर 18 के कांग्रेस नेता हैं हरीश राणा आशु। आइए उनसे पूछते हैं आखिर उनको टिकट क्यों दी जाए, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट क्यों दे और लोग उनको वोट क्यों दे। आशु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जागती लहर में। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ आखिर आप में ऐसा क्या है, आपको टिकट क्यों दी जाए? गौतम जी, टिकट की गल इस तरह होती है कि साडा जो परिवार है बहुत ही पुराना टकसाली परिवार है। इस इलाके नूं मेरे फादर साहब पहला रीज कर रहे सीगे ते उस तो बाद 2005 तो मैं पार्टी के विराजमान है अहद्या, तो 2005 मैं ब्लॉक प्रधान बनया यूथ कांग्रेस का, 2009 मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वाइस प्रधान बनया, हूँ भी वाइस प्रधान के अहदे पर मैं विराजमान है। और जो भी विधानसभा दोणा हुई ने या MP दोणा हुई या कारपोरेशन दोणा हुई ने जो बूथ लेवलिंग का काम है वह सारा असी अपने हथी किया हो, साढ़े ही घर बूथ लेवलिंग का काम शुरू हों सारा भी कि ड्यूटी लानी है कि बूथ के वोटा क्ड के असी कांग्रेस पार्टी मजबूत करना है। हूँ जिदा कि पिछले भी 10 साल पार्टी सत्ता तो बाहर रही है तो असी कदे भी पार्टी नाल कदे दगा नहीं किया, तो मेरी पूरी आस है कि पार्टी आ जो ये चीज़ को पूरी देखूगी तो सानू टिकट दे के इलाके दे विच सेवा करने का मौका देगी। आपने क्या ऐसी क्या एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी की हैं जिसके कारण लोग आपने कुछ लोगों का काम किए हैं, वो क्या काम किए हैं उसके बारे में? लोगों के काम जो हमारे पास पहुँचता है गौतम जी, उसके सारे काम करवाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, किसी भी तरह की कोई मेडिकल सुविधा चाहिए, कैंप लगाते रहते हैं, जागरण करवाते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, धार्मिक कामों में पूरा आगे चढ़ के चलते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं उनका हम पूरी कोशिश करते हैं भी उनके कोई भी हमारे से नाराज होकर ना जाए, जैसा भी काम आता है जितने लायक हम हैं वो अपने जेब से भी पैसे खर्च करके करवाते हैं लोगों का। आप जिससे मर्जी पूछ सकते हैं भी ये कभी हमारे काम आए हैं कि नहीं आए हैं। ये जो वार्ड है ये पहले यहाँ इस एरिया में वार्डबंदी से पहले ये अकाली काउंसलर यहाँ पे रहे हैं, तो क्या लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किए हैं कि उनको द्वारा अकाली दल के जीते या उन्होंने कुछ किया ऐसा को आपको लगता है कुछ किया? उन्होंने कुछ किया ही नहीं जी गौतम जी, असली बात तो ये है 10 सालों में जो उन्होंने विकास करना चाहिए था विकास की बातें तो बहुत की है उन्होंने पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कहने का आज भी आप जाके सेक्टर 39 के लोगों से पूछ सकते हैं, न्यू मोतीनगर जाइए, जो जो इलाका इस वार्ड में आया है जिससे मर्जी पूछ लीजिए भी मौजूदा जो पार्षद हमारे रहे हैं उन्होंने इस इलाके के लिए क्या अपनी गतिविधि की है और कितना समय आपने दिया है। उससे पहले जो 5 साल की टर्नओवर थी उसमें तो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ किया भी है, जो ये लास्ट 5 ईयर्स निकले हैं उसमें तो उन्होंने एक भी कह लो भी कोई भी काम जो है पूरा नहीं किया। ये जो पहले जो इसका नंबर 15 नंबर वार्ड होता था पुराना और इसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं जिसमें 21 नंबर, 22 नंबर और 18 नंबर। ये जो 18 नंबर है इसमें सेक्टर 39, सेक्टर 32 है, वर्धमान की जो सारी ब्लॉक है, वर्धमान कॉलोनी, न्यू मोतीनगर, विश्वकर्मा कॉलोनी, न्यू विश्वकर्मा कॉलोनी और खोखा मार्केट, ये जो एरिया इसमें जुड़ा है तो यहाँ से वार्ड नंबर 18 जो नए रूपरेखा तैयार हुई है इसकी। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा है जहाँ पे कौन सी ऐसी जन समस्याएं आपने देखा होगा तो सबसे आपको क्या लगा वो समस्या जो है बड़ी है जिससे लोग जुड़े हुए? सेक्टर 39 की सबसे बड़ी समस्या ये है अभी पानी की समस्या है, जब बारिश होती है तो पानी की कोई निकासी नहीं है, वहाँ पे पॉश इलाका है गलाडा का, पानी जो है लोगों के घरों तक जाता है। अभी आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी लोगों ने अपने घर के बाहर कितनी कितनी दीवारें करा के रखी हुई हैं, जो पानी है उनके बेडों तक पहुँच गया है। और वो 10 साल से जो मौजूदा अपने काउंसलर साहब रहे ने उन्होंने कोई भी काम दे विच प्रॉपर तरीके नाल उन्हों जो ड्रेन सिस्टम बनाने चाहिए सी नहीं बनाए, एक डक्का भी नहीं तोड़िया जिन्होंने कहने पानी के लेवल के करके। सीवरेज की प्रॉब्लम है, सीवरेज छोटे हो चुके हैं, आबादी बढ़ चुकी है, उन्होंने जाम होने का कारण यही है भी जो मटीरियल है उन्हें ज्यादा आ रहा तो उन्होंने जी निकासी का रास्ता घट है। आप क्या लोगों से क्या कहना चाहते हो यदि बाय द वे टिकट ये तो पार्टी ने देखना लगी आप पार्टी देती है तो क्या ऐसा मुद्दा आप लेकर? वोट डालने का कारण विकास, हमारे पूर्व के जो MLA हैं श्री संजय तलवार जी उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है, जब भी वो इलाके में आए हैं 10 महीने हो गए कोई भी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं किया हो, पहल के आधार पर करा रहे हैं, जो उनके पास पहुंच रहा है सारे काम उनके पहले करा रहे हैं वो। और सबसे बड़ी जो बात है सेक्टर 39 में लड़कियों का कॉलेज जो उन्होंने पास करवाया है आपको पता ही है पीछे उनके जो 800 करोड़ का प्रोजेक्ट जो पास हुआ था उनका उसके अंदर वो भी आता है, लड़कियों के कॉलेज की समस्या सबसे बड़ी थी लुधियाना शहर की
क्योंकि जब से लुधियाना शहर बना है लड़कियों का कॉलेज पूरे एक जिले में एक ही है और दूसरा यहाँ बनने जा रहा है 39 सेक्टर में, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है और आगे आगे देखिए आप 5 सालों में क्या कुछ होगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि इस एरिया, ये जो पाश एरिया है, इसमें और भी काफ़ी नेता हैं जो कि अपनी टिकट के लिए लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं और अकाली दल की, हर पार्टी के हैं। मैं कुछ इलाके के लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ चेतन भवेजा जी हैं जो इस इलाके के एक प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आखिर वो क्या चाहते हैं, कैसे बंदे को टिकट देनी चाहिए थी। देखो, ये जरा 32 सेक्टर है, पहले वार्ड नंबर 10 सीगा, तो हमने वार्ड नंबर 18 बन गया, 32 सेक्टर दो पार्ट दे विच डिवाइड हो गया। और असं काफ़ी लंबे समय तो देख रहे हैं कि इतने कांग्रेस पार्टी का कौंसलर अजे तक नहीं बन पाया, अकालिया के कौंसलर ही चलते आए हैं। और इस करके मैं राणा जी को काफ़ी लंबे समय तो 10-12 साल तो देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, तो यूथ का ही टाइम है जी अजकल, तो असं चाहवे कि हाईकमांड में मांग करते हैं, श्री संजय तलवाड़ जी MLA साहब को भी मांग करते हैं, बिट्टू जी को भी मांग करते हैं कि राणा जी को टिकट देनी चाहिए है, यूथ को अगे लियाना चाहिए। पार्टी की टिकट जो राणा जी को दिलाना चाहते हैं, आखिर क्यों दिलाना चाहते हैं, उन्होंने आपने क्या देखा उनमें, क्या उन्होंने कुछ काम? राणा जी ने उसी काफ़ी लंबे समय तो देख रहे हैं जी, आज तक अगर कभी राती बराती सानू दिक्कत परेशानी कोई आई है, अगर कोई कारपोरेशन का काम पिया है या कोई बिजली दफ्तर का काम पिया है, तो अज तक असं राणा जी ने फोन किया है, साडा काम पहल के आधार पर होया। तो इसी तरह से हम जो है बाकी जो शहर के एरिए हैं उनको भी कवर करते रहेंगे, तो बने रहिए जागृति लहर के साथ। धन्यवाद।